Hey my beauties, welcome or welcome back to my channel. A warm welcome to you all guys. मैंने अपने हेयर स्ट्रेट किए हैं घर पर ही विदाउट एनी मोर एफर्ट. मुझे ज़रूर बताना मेरे बाल कैसे लग रहे हैं. एज यू कैन सी माई हेयर इज़ लुकिंग सो सॉफ्ट. बहुत ही अच्छे फील कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेट लग रहे हैं, बिल्कुल पार्लर जैसा. पार्लर में जैसे कि कैरेटिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होता है, मैंने अपने बाल घर पर ही स्ट्रेट किए हैं जो कि टेम्प्रेरी है, ऑब्वियसली परमानेंट नहीं है. तो इस वीडियो पूरा देखना, प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बिल्कुल एफर्टलेस है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेंगे आपको बाल स्ट्रेट करने में, बहुत ही ईजी है. तो ये वीडियो पूरा देखना. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू एंड वेस्टिंग टाइम हम पूरा वीडियो देखते हैं कि मैंने अपना हेयर कैसे स्ट्रेट किया, और आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, अब मैं ड्राई कर रही हूँ, और ड्रायर के लिए मैंने नोवा का हेयर ड्रायर लिया है, और मैं कूल एयर में अपना हेयर ड्राई कर रही हूँ. मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हेयर ड्राई कर रही हूँ, आपको भी वही करना है. अगर आपको हेयर केयर रूटीन देखना है आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. हेयर ड्राई करने के बाद मैं अपना लॉरियल का सीरम लगा रही हूँ. अगर आपको इसका रिव्यू देखना है, बहुत ही अच्छा सीरम है. अगर आपका ड्राई हेयर है आपका हेयर पूरा स्मूथ कर देगा. मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. सो मैंने अपने हेयर में सीरम लगा लिया है, अब मैं अपना हेयर कॉम कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने वाइट टूथ कॉम्ब लिया है ताकि कोई टेंगल्स ना रहे. और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपना हेयर कॉम कर रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि बिल्कुल भी टेंगल्स ना रहे, और वाइल स्ट्रेटनिंग बिल्कुल भी हाथ में हेयर ना आए, हेयर ब्रेकेज ना हो. इसलिए अच्छे से कॉम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टाइम है हेयर स्ट्रेट करने का, और मैं फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ. और मैंने अपने बाल कुछ इस तरीक़े से पार्टीशन कर लिए हैं, और पार्टीशन करने के बाद मैंने ऊपर में क्लिप लगा लिया है, और उसके बाद मैंने वो दो पार्टीशन करके अपने फ्रंट में ले लिया है, और मैं पीछे की तरफ से अपने पार्ट बाई पार्ट सेक्शन ले कर अपने हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ. और ये स्ट्रेटनर केराटिन स्ट्रेटनर है, आपके हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है. केराटिन स्ट्रेटनर का मतलब है कि आपके हेयर में एक हल्का सा ग्लो शाइन छोड़ जाता है. आपको अपने फुल हेयर ऐसे पार्टीशन पार्ट बाय पार्ट सेक्शन बाय सेक्शन आपको अपना हेयर स्ट्रेट करना है. माय हेयर इज़ केमिकली ट्रीटेड, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा हेयर स्ट्रेट करने का. अगर आपका हेयर कर्ली है, आप हाई टेम्परेचर में यूजिंग अ प्रोटेक्शन स्प्रे आप अपना हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं. इसी तरीके से मैंने अपना पूरा हेयर स्ट्रेट कर लिया है. बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी वे है. कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही अपना हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं. अब देख सकते हैं कितना शाइन है, बिल्कुल भी नॉट्स नहीं है. और मैं पूरी और एक बार स्ट्रेट कर ले रही हूँ अपना पूरा नीचे का पार्ट हेयर लेके. अब मैं दूसरा सेक्शन लेके अपना हेयर स्ट्रेट करूँगी कुछ इस तरह. बहुत ही इजी है ऐसा स्ट्रेट करना, पार्टीशन कर करके बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है. बहुत कम टाइम में आपका हेयर स्ट्रेट हो जाता है. मुझे भी बहुत कम टाइम ही लगा था, मैक्स मैंने अपना हेयर 10 मिनट्स में पूरा स्ट्रेट कर लिया था. देखिए कितना शाइन है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट हेयर घर पर ही. आपको पार्लर जाने की उतने पैसे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इसी तरीक़े से मैंने अपना हेयर फुल स्ट्रेट कर लिया था. आपको अपना फ्रंट सेक्शन कुछ इस तरह से स्ट्रेट करना है पार्ट बाय पार्ट करके, ताकि आपका हेयर बिल्कुल स्लीक स्ट्रेट लगे. बहुत ही अच्छा शाइन ग्लो दे रहा है हेयर में, बहुत ही अच्छा लग रहा है. बिल्कुल ईजी तरीके से, टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ ज़्यादा, बहुत ही कम टाइम में अपना हेयर स्ट्रेट करना एट होम इज़ अ गुड थिंग. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग, कितना अच्छा लग रहा है, कोई भी नॉट्स नहीं है, कितना शाइन है. और मैं वापस एक बार फिर से अपना हेयर स्ट्रेटनर रन कर रही हूँ ताकि पूरा स्लीक स्ट्रेट लगे.
सो दिस इज़ हाउ आई स्ट्रेट माई हेयर. बहुत ही ईजी है, यू मस्ट ट्राई. आप भी ट्राई कीजिए घर पर, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो गाइस, आप देख ही सक रहे हैं कितने अच्छी तरीका से मैंने अपना हेयर स्ट्रेट कर लिया है. बिल्कुल भी नॉट्स नहीं है. लुक एट द शाइन, कितना अच्छा शाइन दे रहा है. सिर्फ आपको एक स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ेगी और 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स में आपका हेयर स्ट्रेट हो जाएगा. लेस देन 10 मिनट्स में आपका हेयर बिल्कुल पार्लर जैसा स्लीक स्ट्रेट. सी गाइस, कितना अच्छा लग रहा है. स्लीक स्ट्रेट हेयर, कोई नॉट्स नहीं है, कितना शाइन है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर, कमेंट. एंड आप मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग द वीडियो. डू ट्राई एट होम एंड लेट मी नो द रिजल्ट. बहुत ही ईजी वे है हेयर स्ट्रेट करने का. टिल देन आई विल बी सीइंग ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.